नमस्ते साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे शिक्षक बहाली के विषय को लेकर। और आप सबको पता है कि तीसरे फेज के बहाली की प्रक्रिया जो है, जो परीक्षा है वो रद्द कर दिया गया है। और 9, 10, 11, 12 की परीक्षा से जो संभावित तिथि थी वो 5 अप्रैल को, उसको भी स्थगित किया गया है। तो अब सारी चीज़ों पर आपको पता हो गया होगा कि सारे मामले, यानी जो चुनाव के संदर्भ में अप्रैल और मई में चुनाव है, तो मुझे लगता है कि अब सारी प्रक्रिया जो है वो जून महीने में ही आयोजित होने की संभावना है। साथियों, अभी बात जो हो रही है, जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर बिल्कुल सारे कुकृत सिद्ध हो चुके हैं। जो 48 घंटा का रिमांड है, जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो कई चीज़ें बिल्कुल सामने आ रही है। बिल्कुल अब दूध की तरह और पानी की तरह, दूध और पानी की तरह बिल्कुल साफ हो गया है मामला कि किस मामले के तहत जो गिरफ्तारी हुई है। और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पर पहले BPSC ने सिरे से खारिज किया, उसके बाद कई मंत्रियों का बयान आया, और निश्चित रूप से उस बयान के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि सिरे से सीधे खारिज कर देना कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर अब तो मामला बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहा है। BPSC के दर्जनों अधिकारी और कर्मचारियों से पूछताछ होने वाली है साथियों, और निश्चित रूप से 48 घंटे के रिमांड के बाद कई खुलासे सामने आए हैं। कई चीज़ें बिल्कुल सामने आई है कि TRE-1 से लेकर TRE-2 तक, TRE-2 में भी इसी तरह का मामला सामने आया है कि आरा और बक्सर के जो सेंटर है, यानी आरा और बक्सर का जो सेंटर बनाया गया था TRE-2 में, वो छपरा, गोपालगंज और सिवान के अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बनाया गया। और सभी को हूबहू जैसे तीसरे फेज की बहाली में प्रश्न पत्र पहले ही दे दिया गया, आंसर उनको रटवाया जा रहा था, और सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से हुई। यही मामला है कि जो तौर तरीके हैं पेपर लीक करने के, उसमें बदलाव हुआ है कि कहीं मोबाइल से क्वेश्चन वायरल नहीं करना है, बस क्वेश्चन ले लेना है, उनको हूबहू रटवा देना है और आके परीक्षा में बैठेंगे। निश्चित रूप से TRE-2 में भी जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, CTET फेल, STT फेल और कई फर्जी वाले, और कई वीडियो तो सामने आ रहे थे, तो वीडियो के आधार पर आप कह सकते थे कि इनको ABCD का ज्ञान नहीं है और ये BPSC के शिक्षक बन चुके हैं और वेतन उठा रहे हैं। तो क्या बिहार में शिक्षक बहाली का जो जिम्मा लेगा, क्रेडिट लेगा? वो लेगा कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसा क्रेडिट कौन लेगा? जाहिर सी बात है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। और BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के नाक के नीचे उनके रहते हुए भी आप पेपर जो है वो BPSC ऑफिस से चला गया। और निश्चित रूप से आपको बताते चले कि TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में वही जो है सिस्टम, जहां से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, वही प्रिंटिंग प्रेस जहां से पहले जो है वो पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर दिया गया था, सारी चीज़ें आर्थिक अपराध इकाई रिमांड पर लेकर जो आरोपियों से पूछताछ चल रही है, जो सोलवर गैंग के सरगनाओं से पूछताछ चल रही है, उसमें काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सामने आ रही है कि TRE-1 से TRE-2 और TRE-3 से TRE-3 सभी मामलों की तहकीकात की जा रही है। तो निश्चित रूप से आरोपियों की संख्या, जो अपराधियों की संख्या है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और जो गिरफ्तार होने वाली संख्या है वो 275 से लेकर वो आगे कितनी होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीधे सीधे अब कहना है कि अब सरकार को चाहिए कि जो खुली छूट आर्थिक अपराध इकाई को मिली है उसमें किन किन लोगों की बात होनी, चाहे वो सोलवर गैंग है, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट का माफिया है, चाहे वो कोई और है, सारी चीज़ें बिल्कुल अब पानी की तरह साफ हो जाना चाहिए कि इन मामलों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। अगर गंभीरता दिखाई रहती इस तरह की चीज़ें TRE-1 से लेकर TRE-2 तक नहीं होती रहती। लेकिन अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि BPSC ने किन किन कुकृत को किया है, और सारे कारनामे, काले कारनामे BPSC के इतिहास में, BPSC के अध्याय में एक और पन्ना जुड़ गया कि BPSC बिल्कुल अब छूटा नहीं है। कोई भी गलत काम करने के लिए BPSC तैयार है, चाहे वो क्वेश्चन पेपर, चाहे वो मैटर की कार्बन कॉपी हो, चाहे बाहर भेजना हो। तो क्या कहने की क्या जरूरत है, बिहार की तमाम एजेंसी का तो वही हाल है, ना क्वेश्चन पेपर देना है आपको, देख लीजिए दरोगा का पेपर का, ना आंसर शीट बताना है, ना कटअप बताना है, सीधे रिजल्ट पब्लिश करना है। तो आप बताइए ना भाई, ये कौन लोग पेपर परीक्षा में बैठा, किन लोगों का रोल नंबर वहाँ चढ़ाया गया होगा, तो कहने की कोई ज़रूरत है क्या? सिपाही भर्ती का वही हाल है, दरोगा भर्ती का वही हाल है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने BSSC का भी वही हाल है। तो सारी चीज़ों का हाल वही है। और BPSC राज्य के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में जो धांधली की शिकायत मिली TRE-1 से लेकर TRE-3 तक, सब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब कहने की जरूरत नहीं है साथियों, इसलिए आप सबको हम बता रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें सामने आ रही है उसके संदर्भ में इतनी चीज़ें हैं कि अब हम लोग की डिमांड दूसरे तरफ होनी चाहिए। तीसरे फेज की बहाली में के पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो शिक्षा विभाग द्वारा BPSC को भेजा गया था, 14,700 पदों पर सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, और दूसरा 10 वर्ष की छूट देते हुए उनको बैठने का मौका मिलना चाहिए तीसरे फेज की बहाली पर। और STT अपियरिंग
की जो मांग है वो आज भी हम लोग की जायज है और आज भी हम लोग उस पर कायम है। एसटीटी अपीयरिंग के मौकों को कम से कम तीसरे फेज की बहाली में उनको बैठने का मौका मिलना चाहिए था। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम अपनी लड़ाई को, आंदोलन को तेज करेंगे और निश्चित रूप से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। साथियों, अभी आपको बताते चले कि जो मामले सामने आ रहे हैं सबको बिल्कुल खुली निगाहों से आप देखते रहे कि क्या क्या होने वाला है। बीपीएससी का सारा कुकृत, सारा कुकर्म बिल्कुल सामने आ जाएगा और निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई को फिर से हम तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तमाम छात्र संगठनों से और छात्र अभ्यर्थियों की तरफ से। कितने बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों,